Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So class 1, today we are going to read our textbook page number 18. Unit number 2, places around me. Chapter number 6, neighbors. आज हम पढ़ेंगे अपने neighbors के बारे में. Neighbors किसे कहते हैं? आपके जो पड़ोसी होते हैं, जो हमसाए होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं. Let's start reading. People who live near you are called neighbors. जो लोग आपके साथ रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? Neighbors, ठीक है? We must be good neighbors. हमें एक अच्छा neighbor बनना चाहिए, एक अच्छा हमसाया बनना चाहिए है. It is our duty to take care of our neighbors. ये हमारी duty है कि हम अपने neighbors की care करें, उनका ख्याल रखें, उनको किसी भी time जो ज़रूरत हो तो हम उनको help out करें. यहाँ pictures हैं, उस पर read out करते हैं. Greet your neighbors, यानी अपने neighbors से आप मिलें, सलाम दुआ करें, ठीक है, अच्छी तरह से उनका अहवाल वगैरह पूछें. Next है, we should not disturb our neighbors. यानी टीवी का वॉल्यूम या किसी भी तरीके से उनको डिस्टर्ब ना करें. बाज़ अवकात ऐसा होता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो नेबर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है. वी शुड नो हु लिव्स इन आवर नेबर्स. हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेबर्स में कौन कौन रहता है. एंड बी पोलाइट एंड फ्रेंडली विद देम. और हमें उनके साथ बहुत पोलाइट यानी अच्छे अंदाज में और फ्रेंडली यानी दोस्ताना अंदाज में रहना चाहिए है. उनकी हर चीज़ में उनकी मदद करनी चाहिए. वी शुड ऑल्सो हेल्प देम. हमें उनकी मदद करनी चाहिए. हेल्प एल्डरली नेबर्स. ग्रीट देम विद अ स्माइल. आप जो आपके पड़ोस में जो बड़े हैं लोग, उनसे भी आपने अच्छे तरीके से मिलना है, हाथ मिलाना है और स्माइल के साथ मिलना है, ठीक है, अच्छे तरीके से. अब हमने करना है अपना वर्कबुक पेज नंबर 16, ठीक है. कीपिंग आवर होम्स क्लीन. हमें अपने घर को साफ कैसे रखना चाहिए वो हम रीड करते हैं, और साथ साथ हमें ये वर्ड बैंक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व भी करना है. सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड राइट अंडर द करेक्ट ऑप्शन. आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आपने इसको सिलेक्ट करके राइट बॉक्स में राइट करना है, ठीक है. ऑल्सो कलर द पिक्चर्स. और आपने इसको कलर्स भी करना है. फर्स्ट आपको वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे वैक्यूमिंग, डस्टिंग, पुटिंग अवे, मॉपिंग, स्वीपिंग एंड वॉशिंग. ये सिक्स वर्ड्स हैं जो कि सिक्स पिक्चर्स में आपने इसको फिट करना है. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है. तो उसको हम क्या लिखेंगे, डस्टिंग, DUSTING, डस्टिंग. नेक्स्ट है यहाँ पे ये है हमारा स्वीपिंग, यानी ये जो आपको नज़र आ रही है ये लड़की है, इसमें सफाई कर रही है. नेक्स्ट है वॉशिंग, जो है ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि आपके यूटेंसिल्स जो आपके बर्तन हैं उसको वॉश कर रहे हैं. नेक्स्ट है ये बच्चा जो है वो सारी जितना भी लेटर है, जो भी चीज़ है, उसको बाहर फेंकने जा रहा है. इसका मतलब ये है पुटिंग अवे. नेक्स्ट है मॉपिंग, MOPPING, मॉपिंग. नेक्स्ट में जो गर्ल है इसके हाथ में वैक्यूम है, तो ये क्या कर रही हैं, वैक्यूमिंग, ठीक है. इसमें आप WUMING वैक्यूमिंग, ठीक है. इसको आपने अपने वर्कबुक पे सॉल्व करना है, उसको अच्छी तरह से लर्न करना है. थैंक यू.